अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ द यूनिवर्सिटी ऑफ चनाब गुजरात के स्प्रिंग एडमिशन 2023 की डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट को। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने अनाउंसमेंट की है अपने स्प्रिंग एडमिशन 2023 की। ये AGCC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है और बेस्ट यूनिवर्सिटी कंसिडर की जाती है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में चार्टर्ड यूनिवर्सिटी। अंडर ग्रेजुएट MPhil एंड MS प्रोग्राम की अनाउंसमेंट की गई है। अगर बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस की तो हमें डाइट एंड न्यूट्रिशनल साइंस में BS ऑफर करवाया जा रहा है। इसके साथ डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, DPT मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BS मेडिकल रिपोर्टेड साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में MPhil ऑफर करवाया जा रहा है। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन में हमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में BS ऑफर करवाया जा रहा है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA ऑफर करवाया जा रहा है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में MPhil एंड मैनेजमेंट साइंस में हमें MPhil ऑफर करवाया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में हमें BS कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BS ऑफर करवाई जा रही है। कंप्यूटर साइंस में हमें MS ऑफर करवाया जा रहा है एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में MS ऑफर करवाया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस में हमें इंग्लिश BS में ऑफर करवाया जा रहा है। इनके 4-year प्रोग्राम हमें इंग्लिश का ऑफर करवाया जा रहा है। इंग्लिश लिटरेचर में MPhil एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक में MPhil ऑफर करवाया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में हमें फार्मास्यूटिक्स में MPhil ऑफर करवाया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल साइंस में हमें मैथ्स फिजिक्स में BS ऑफर करवाया जा रहा है और मैथ्स एंड फिजिक्स में हमें MPhil ऑफर करवाया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में हमें सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में BS 4-year प्रोग्राम ऑफर करवाया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने कुछ की फीचर्स बताए हैं अपनी यूनिवर्सिटी के, इसकी फैकल्टी के बारे में। 30% जो इनके 30+ जो इनके मेंबर्स हैं, जिन जो टीचर्स हैं वो PhD बेस्ड हैं। इसके साथ स्टूडेंट को ऑफर करवाया जा रहा है स्कॉलरशिप जो कि मेरिट बेस्ड एंड नीड बेस्ड है। आप अप्लाई कर सकते हैं 18 फेब तक और जो टेस्ट की डेट है वो 19 फेब बताई गई है। इसके साथ ही आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू दिस लिंक ऑनलाइन फॉर एडमिशन के लिए। फर्दर उन्होंने अपने व्हाट्सएप एंड एड्रेस वगैरह मेंशन किया हुआ है। आप यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अप्लाई की मेथड की बात करती हूँ, अगर आपने अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करना है, पोस्ट ग्रेजुएट में, ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप के लिए, तो ये उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जाना है, अगर अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करना है तो अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने अप्लाई पे क्लिक करना है तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने साइन अप पे चले जाना है। साइन अप पे जाएंगे, अपने अकाउंट को रजिस्टर करवाएंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस, वेरीफाइड ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, वेरीफाइड पासवर्ड, मोबाइल नंबर, इसके साथ ही बेफॉर्म नंबर, अप्लाइंग फॉर यानी किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे प्रोग्राम मेंशन करना है, अपना चूज कर लेना है बैचलर के लिए या MPhil के लिए। रिजल्ट ऑफ करंट डिग्री वो आपने सिलेक्ट करना है, अवेटिंग पे है तो उस पर क्लिक करना है, बट अगर नहीं है तो इसको इग्नोर कर दें आप। यूज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन दें तो आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशन पे अग्री पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक कर दें। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो सिंपली आपने प्रोसीड टू लॉग इन पे चले जाना है और अपना पासवर्ड एंटर करके यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड तो साइन इन कर लेना है अपने अकाउंट को और फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करना है। लास्ट आपको सलान फॉर्म जनरेट होगा, जैसे आप सलान फॉर्म को पे करेंगे उसके बाद आपको फर्दर डिटेल्स जो है आपके एंट्री टेस्ट की वो बता दी जाएंगी और लास्ट डेट इसमें अप्लाई की है 18 फेब तक आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। इसके अलावा फर्दर आपकी कोई भी क्यूरी है मेरे से एडमिशन के अबाउट तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।